हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुमन शर्मा ब्लॉग पे। और मैं आप लोग से यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी चैनल को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। ऐसे देखते रहिए, बस तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कुछ स्नैक्स बनाओ, तो चाय का समय भी हो रहा है, तो मैं आज कुछ नहीं बताऊंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग खुद बताइएगा कि मैं क्या बनाई हूँ। सभी बनाते हैं अपना घर में, तो मैं चलिए बताइए क्या कुछ हाइजीनिक बनाऊंगी और चाय का साथ बनाऊंगी और सब शेयर करूंगी आप लोग से। और आप लोग से ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे डेली ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और बताइएगा, तो मैं शेयर करूंगी आप लोग से। चैनल को आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं और करते भी रहिए, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पास जाए और आप देख सकें। और यही मैं आपसे बोल रही हूँ और बार बार भी बोल रही हूँ, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, और धन्यवाद। पत्ता गोभी काट के रख ली हुई है और ये दो प्याज है ये भी काट ली हुई हूँ, ये हरी मिर्च है और अदरक है, कूट के इसको रख ली हूँ। अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। शाम का टाइम था, हल्का फुल्का कुछ सोची बनाऊंगी, वो आप लोग से शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है ये मैंने बेसन डाल रही हूँ, करीब 3 चम्मच है, और ये जो मैंने हरी मिर्च थी उसको काट ली हूँ, ये अदरक है कूट के रख ली हूँ इसको, तो सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हल्दी पाउडर, ये टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसको सबको अजवाइन डालूँगी मसल के हाथ से। अजवाइन मसल के डालने से इसको खुशबू अच्छी आती है। और आप लोग से मैं यही ये भी बोलूँगी कि मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं कैसी बनी हुई है। ये सबके घर में बनती होगी हमको पता है, इसीलिए मैं बोली आप लोग बताइए। ये मूंगफली है, ये मैंने इसमें डाल दी हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूँगी, इसे क्रिस्पी बनती है और अच्छा लगता है खाने में, पूरी टेस्टी होती है। आप लोग ऐसे करके एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा। मैं तेल गरम हो चुकी है मेरी, मैं इसमें तो पकौड़े को तल लूँगी अच्छे से। देखिए ऐसे एक बार आप लोग बना के मूंगफली वाला खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी होती है चाय के साथ या सॉस के साथ ले, शाम का टाइम हो। और सभी का घर में तो अभी प्रॉब्लम है, बाहर खाने जाने नहीं सकते हैं, तो वो है घर में आप लोग बनाइए, अपने बच्चों लोग को भी खिलाइए, सबको अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिए और देखा करिए, और नया जो आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं सबको ऐसे करके सब पकौड़े को तल लूँगी। ये मेरी चाय है, चाय के साथ हम लोग खाएंगे इसको बैठ के। मेरे बच्चे लोग बोल रहे थे कुछ शाम का टाइम में सबको ही आदत होगा कुछ खाने का ऐसा चटपटा। ये अदरक मैं डाल रही हूँ, एक तरफ चाय बना रही हूँ एक तरफ पकौड़े बना रही हूँ। ये देखिए मेरी रेडी है, आप लोग बताइएगा कैसा बना हुआ है।